नाइन्थ डी बेटा, एकदम इतनी डिस्टरबेंस नहीं बेटा, आराम से बैठ जाओ बस। तो हमने क्या बताया कि पेरेन्काइमा की मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशंस ऑफ पेरेन्काइमा कौन सी है मॉडिफिकेशंस? दो मॉडिफिकेशंस अभी तक हमने की है, दैट इज क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। जो क्लोरेन्काइमा है इसको हम कहें क्या कहेंगे? पेरेन्काइमा सेल्स हैविंग, बोलो जल्दी से, हैविंग क्लोरोप्लास्ट। एरेन्काइमा पेरेन्काइमा सेल्स हैविंग एयर स्पेसेस। दैट इज एरेन्काइमा। तो ये क्लोरेन्काइमा कहाँ पे प्रेजेंट है? एग्जाम्पल इसकी आ जाती है लीव्स एंड ग्रीन स्टेम्स। लीव्स एंड ग्रीन स्टेम्स। और उसके बाद एरेन्काइमा की, दैट इज यू नो हाइड्रोफाइट्स। कौन से हाइड्रोफाइट्स? फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। इज इट क्लियर? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बेटा बोलिए। मैम, जो एरन कायमा होता है वो हाइड्रिला में भी होता है। हाइड्रिला में बहुत कम होता है बेटा, हाइड्रिला ऊपर नहीं होता, ऑल्दो फ्लोट कर रहा है वो भी, है ना। इट इज प्रेजेंट इन हाइड्रिला ऑल्सो। ओके बेटा, एक मिनट बचे, एक मिनट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, नाइन्थ ई। हाँ जी बेटा आप बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन। इन विच प्लांट्स थिक एलिमेंट इज प्रेजेंट? एक्यूटिकल इज प्रेजेंट, एक्वेटिक प्लांट्स, रेन फॉरेस्ट प्लांट्स, प्लांट्स एंड डेजर्ट प्लांट्स। बताइए आप, इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स? इन विच प्लांट्स द डेजर्ट थिक, प्लांट्स। दिस इज डेजर्ट प्लांट्स, बिल्कुल ठीक है, दैट्स वेरी गुड। डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल। व्हाई दे हैव थिक क्यूटिकल? टू प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन। हाउ इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन? बिकॉज क्यूटिकल इज ए वैक्सी लेयर, ठीक है, एक वैक्स की बनी है जो पानी को, इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिया होता है रिपेल करना, हाइड्रो मीन्स वॉटर, विच रिपेल्स वॉटर। इज इट ओके? ठीक है बच्चों, समझ आई? टू प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन डेजर्ट प्लांट्स, क्योंकि उनमें पानी की पहले ही कमी है, इसलिए पानी लूज ना हो इसलिए उनके पास थिक क्यूटिकल है। क्यों क्यूटिकल थिक? कि कैसे वो प्रिवेंट करती है? बिकॉज इट इज हाइड्रोफोबिक, रिपेल्स वाटर। ठीक है जी, नाइन्थ डी, सिक्स्थ क्वेश्चन। What is the function of root hair in plants? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर इन प्लांट्स? यस, एनीबडी? प्लांट्स में जो रूट्स में रूट हेयर होते हैं आपने देखे भी है, Helps in absorption of water and minerals. बिल्कुल ठीक है। तो बट हम इसमें पहली पॉइंट क्या कहेंगे कि रूट हेयर, आपने आंसर ठीक बताया, बट एक चीज और, रूट हेयर इंक्रीजेस सरफेस एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया बहुत जगह इंपॉर्टेंट है बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। रूट हेयर इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर
एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स. सो रूट हेयर इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स एंड दस हम क्या कहेंगे, रूट हेयर्स हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स. नाइन्थ बी. हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉक सेल्स आर डेड सेल्स, हैव लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, परमिएबल टू गैसेस, थिन वॉल्ड. हां जी बताइए फिर, कॉक सेल्स क्या है? डेड सेल्स. डेड सेल्स है, बिल्कुल ठीक है. सो कॉक सेल्स, पहली बात तो दे आर डेड. दूसरी चीज लिग्निफाइड. लिग्निफाइड का मतलब है सेल वॉल्स हैव डेपोजिशन ऑफ लिग्निन. बहुत हार्ड कंपाउंड है. थिक वॉल्ड एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. सो दीज आर कॉक सेल्स एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय सिंपल, याद रहेगा आपको, लेटरल मेरिस्टम. और अगर If somebody wants to remember, it is called as cork cambium. है ये lateral meristem है, thickness increase करता है. Is it okay? Yes. ठीक है जी. देन नाइन्थ सी, नाइन्थ ए. यस अदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ देर इज एनी. दोबारा से बोलो क्या है. मुझे बेटा बिल्कुल समझ नहीं आया, दोबारा से बोलो एक बार क्लियरली करके. हाँ The component that must coconut is made up of the husk of coconut. Ninth question है. चलो कोई बात नहीं. Husk of coconut is formed of dash. Yes, कौन बता रहा है बेटा, जल्दी से ये voluntary बताओ. हाँ बिल्कुल ठीक है, सबने ठीक आंसर बताया. इट इज स्क्लेरेनकाइमा. हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क होता है जो ऊपर उसका हम उतारते नहीं है, जब हम नारियल लेके आते हैं ठीक है, तो उसका हम उतारते हैं, अंदर से गोला सा निकलता है जिसको हम खाते हैं. तो जो हम फाइब्रस निकालते हैं, कॉयर जिसका बना हुआ है ठीक है, तो That is sclerenchyma. ठीक है बेटे, जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें जाने दो, बाकी सब इधर ध्यान दो, उनकी तरफ ध्यान नहीं बेटा. लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास. ठीक है जी, नेक्स्ट है नाइन्थ बी. हाँ जी कोई और क्वेश्चन है बोलो. इन स्टेम्स द वेस्कुलर बंडल इज कवर्ड विद वेस्कुलर कवर फॉर्म्ड ऑफ डैश. यस, वेस्कुलर शीथ कीजिए, बंडल शीथ. इन स्टेम The vascular bundles are covered by bundle sheath formed of. अगर हम ये देखेंगे, ये स्टेम का सेक्शन है, ये इसके अंदर if you see these are vascular bundles, xylem and phloem. इनके ऊपर
ये शीथ है या बंडल कैप कह सकते हो, बंडल शीथ या बंडल कैप, फॉर्म्ड ऑफ। यस, ये किसकी बनी है बेटा? इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। बंडल कैप इज फॉर्म्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ये याद रखना है, मार्क कर लो कि ये आपको पता होना चाहिए। कुछ चीजें जिसका कोई लॉजिक हम नहीं बता सकते, बट ये है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ ई। है क्वेश्चन? हाँ बोलो, बोलो बोलो। हाँ, इट्स ओवर नाउ। यस ओके, चलिए, दैट्स गुड। मैम, एक क्वेश्चन रहता है। बोलिए बोलिए बेटा, कौन सा क्वेश्चन रहता है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट सीक्रेट क्यूटिकल? विच पार्ट ऑफ द प्लांट सिक्रीट्स क्यूटिकल? यस, हु विल टेल मी? क्यूटिकल किसके ऊपर होती है? एपिडर्मिस के, हाइपोडर्मिस के, कॉर्टिकस कॉर्टेक्स के, किसके एडजसेंट है? कल हमने किया था बेटा, कहां पर है? इज इट एडजसेंट टू एपिडर्मिस कि इट इज एडजसेंट टू हाइपोडर्मिस कि इट इज एडजसेंट टू कॉर्टेक्स? किसके साथ लगती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, तो इट इज द एपिडर्मिस विच सिक्रीट्स क्यूटिकल। क्योंकि क्यूटिकल एक सिक्रीशन है, वैक्सी लेयर है, तो कोई ना कोई तो सिक्रीट करेगा ना, और कौन करेगा? उसका पड़ोसी करेगा, और उसका पड़ोसी कौन है? एपिडर्मिस। सो आंसर हेयर इज इट इज एपिडर्मिस विच सिक्रीट्स क्यूटिकल। बेटा ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनमें से, इन 10 में से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कोई भी बनाए पेपर, ठीक है जी? सो इसलिए ये नहीं कि छोड़ो हमने क्या लिखना है क्या नहीं, तो लिखा जरूर करो जो चीज मैं कहूँ ना, कि ये लिख लो, राइट डाउन क्विकली, ठीक है जी? सो क्यूटिकल इज सिक्रीटेड बाय एपिडर्मिस। ओके, चलिए जी, अब हम आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एनिमल टिश्यूज। रिमेंबर दैट स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। कौन कौन से एनिमल टिश्यूज है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और फिर फोर्थ टाइप कौन सी है? कौन सा बेटा? नर्वस। वेरी गुड, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट क्या है? न्यूरॉन है। मस्कुलर टिश्यू और मसल, रिमेंबर दैट मसल एक सेल नहीं है, मसल इज ए टिश्यू। फॉर्म्ड ऑफ मेनी
मसल फाइबर्स, तो मसल फाइबर इज ए मसल सेल। ठीक है, बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन होती है कि मसल फाइबर और मसल में क्या फर्क है। मेनी मसल फाइबर्स टुगेदर फॉर्म ए मसल। देन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की बेटा आगे डिफरेंट टाइप्स है। कौन कौन सी टाइप्स है? दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, देन बोन्स या पहले ब्लड एंड लिम्फ, या फिर हम इसको और क्या बोल देते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स एंड कार्टिलेज। और यहां पे बेटा एक और आ जाता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आ जाते हैं टेंडन्स, एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, इट इज सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर्ड। एंड दिस इज सिंपल इज सिंगल लेयर्ड। चलिए जल्दी से ये एक ना टेबल सा बना लीजिए फट से। सो लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज, आपने टाइप ऑफ एपिथीलियम बतानी है। लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स, ग्लैंडुलर एपिथीलियम, देन वी कम टू जर्मिनल जो ओवरीज और टेस्टिस को करती है, लाइन करती है, जो गैमीट्स बनाती है, जर्मिनल एपिथीलियम। एब्सॉर्प्टिव एपिथीलियम, एपिथीलियम विच लाइन्स ट्यूब्यूल्स इन किडनीज। एपिथीलियम विच लाइन्स ब्रोंकाई एंड ट्रेकिया।
जल्दी से क्विकली डू इट, थोड़ा सा याद करो हमारे पास कौन कौन सी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास कौन सी है, स्क्वेमस, देन क्यूबॉइडल, देन सिलिएटेड कॉल्यूमनर, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमनर। ये आपकी ऑप्शंस है एंड ये आपने जल्दी से बताना है। और एक और आपने मुझे बतानी है कि स्किन इज फॉर्मड ऑफ डैश एपिथीलियम। क्विकली 2 मिनट लगाओ और करो। यस, नाइन्थ ए, बोलिए जी, हु विल टेल मी, मैं बोलूं जरा, लेट मी आस्क तान्या, तान्या इज देयर, जल्दी से आ जाओ तान्या। लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज, माइक लेके बेटा माइक लेके बोलो अगर कुछ बोल रहे हो, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, माइक ऑन है बेटा देखना। माइक चेक करो अपना, पहले तो बोल रहे थे बच्चे, बेटा बॉयज आप बोलना जरा ना, चेक करो ऑन ऑफ करो इसको, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बेटा, चेक करो जरा स्पीकर से चेक करो। बैठो बेटा ताने बैठो आप। हाँ जी, नाइन्थ बी, अमरजोत, अरमान जोत, हाँ जी जोर से बोलो, स्कैमनस स्क्वेमस, स्कैमनस डाइटेटेड स्क्वेमस एपिथीलियम, ठीक है। तो ये है स्क्वेमस। नाइन्थ सी, नाइन्थ सी में से आ जाइए बेटा, राहुल, राहुल अगर माइक ऑन करो, आपकी भी आवाज नहीं आ रही, क्या बात हो गई आवाज को। आवाज नहीं आ रही बेटा, चेक करो, नाइन्थ है, दोबारा से चेक करना बेटा, लाइनिंग सिंपल ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स। हाँ जी बेटा बोलो, स्क्वेमस। यस, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। नाइन्थ ई, नाइन्थ ई में से आ जाओ बच्चे, दैट इज गुरप्रभ, गुरप्रभ इज देयर, नाइन्थ ई, आ जा जल्दी से, आ जा जल्दी से। ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ग्लैंड्स की लाइनिंग कौन बना रहा है, इनमें से बताना है बेटा। हाँ जी पता है आपको, नो चलो बैठो बैठो, एनी वन, एनी वन हु नोज, नाइन थी, मैडम, स्कैमरस नहीं बेटा स्क्वेमस तो नहीं है, ग्लैंडुलर की स्क्वेमस नहीं है बच्चे, इट इज, हाँ क्यूबॉइडल। इट इज क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह पे आपको मैंने दे दिए, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम आपको बुक में नहीं है, तो जर्मिनल एपिथीलियम है क्या है, विच मेक्स द लाइनिंग ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज, जर्मिनल एपिथीलियम लाइन्स द टेस्टिस एंड ओवरीज एंड फॉर्म गैमीट्स, एंड इट इज ऑल्सो पार्डन क्यूबॉइडल एपिथीलियम, यस, एब्सॉर्प्टिव।
नाइन्थ एफ किरण ज्योत, किरण ज्योत है बेटा यहाँ पर, नाइन्थ एफ के स्टूडेंट शिफ्ट हुए हैं। चलिए कौन बता रहा है, रेज योर हैंड्स, अभी हमें नहीं पता चल रहा बट रेज योर हैंड्स एनीबडी। सब ढीले बैठे हुए हैं, फिर मैं बता दूंगी कोई फायदा ही नहीं होगा पढ़ने का बेटा। बेटा एब्जॉर्प्टिव एपिथीलियम इज कॉल्यूमनर, कौन से कॉल्यूमनर, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमनर एपिथीलियम। ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब है विच हैज लॉट ऑफ विलाए, ब्रश बॉर्डर्ड की मीन्स विच हैज लॉट ऑफ विलाए, ये ब्रश के ब्रिसल्स की तरह नजर आती है विलाए, ठीक है। सो एब्जॉर्प्टिव एपिथीलियम इज ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमनर एपिथीलियम, एपिथीलियम विच लाइंस ट्यूब्यूल्स इन किडनीज। यस एनीबडी, वर्डल इट इज क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल विच हैज स्क्वायरिश सेल्स, हैविंग सेंट्रल न्यूक्लियस। यहां पे विच लाई, दिस इज कॉल्यूमनर, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, कॉल्यूमनर एपिथीलियम, कौन सी, सिलिएटेड कॉल्यूमनर। बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है सीलिया। बेटा कोई डस्ट पार्टिकल्स अंदर जाता है, हमें एकदम खांसी आती है, हमें स्नीजिंग होती है, तो वो किस कारण है, सीलिया के कारण है, जो स्नीजिंग कफिंग से वो डस्ट पार्टिकल्स बाहर फेंकते हैं, राइट। सो एपिथीलियम विच लाइज ब्रोंकिया एंड ट्रेकिया, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथीलियम। सीलिया का फंक्शन मैंने बता दिया। एंड स्किन इज फॉर्म्ड बाय, यस हु विल, स्क्वेमस, कौन सी स्क्वेमस, हम कह देते हैं कैरेटिनाइज्ड, कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, स्क्वेमस एपिथीलियम। स्क्वेमस एपिथीलियम कैसे सेल्स है, पॉलीगोनल सेल्स है, फ्लैटेंड न्यूक्लियस, दे हैव पॉलीगोनल सेल्स। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है मल्टी लेयर्ड, डिफरेंट स्ट्रेटाज है, बहुत सारी लेयर्स है ना, हम कहते हैं सोसाइटी में डिफरेंट स्ट्रेटाज है, बहुत रिच है, फिर उससे कम रिच है, फिर मतलब हम क्या देते हैं एवरेज है जिनकी, फिर पुअर है, फिर बहुत पुअर है, इस तरह ये डिफरेंट स्ट्रेटाज कह देते हैं हम सोसाइटी में, लेयर्स है। इसी तरह से स्किन में भी लेयर्स है, कैसे, ऊपर सेल्स की फ्लैटनिंग होती रहती है, छोटे होते रहते हैं, फ्लैट होते रहते हैं सेल्स, एंड ऊपर वाली लेयर्स, फ्यू लेयर्स, 3 to 4 layers, देयर सेल्स बिकम डेड एंड द साइटोप्लाज्म gets replaced by the protein keratin. लिख लो, in skin, in human skin, the upper 3 to 4 layers of the skin, the upper
three to four layers of skin, have dead cells, have the upper three to four layers of skin have dead cells whose cytoplasm gets replaced by protein keratin. Gets replaced by protein keratin. KERATIN. Tabhi hum kehte hain keratinized stratified squamous epithelium. मैम रिप्लेस्ड बाय प्रोटीन के बाद क्या आपने बोला? रिप्लेस्ड बाय प्रोटीन केराटिन. केराटिन प्रोटीन है बेटा जो साइटोप्लाज्म की जगह सिर्फ ये प्रोटीन जमा हो जाता है. ओके ठीक है जी. सो दिस इज केराटिनाइज्ड, इसीलिए हम कहते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. द लोअर लेयर, ये वाली जो लेयर है, द लोअर लेयर ऑफ एपिथीलियम ऑफ स्किन, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन हैज द पावर ऑफ डिवीजन. ठीक है, ये सेल्स डिवाइड करते रहते हैं. आपको पता है कि जो हम कहते हैं भी मैल उतार दो, तो वो मैल है क्या एक्चुअल में, वो स्किन की लेयर्स है जो धूल मिट्टी के साथ स्किन की लेयर्स उतरती है, स्लफिंग ऑफ. ठीक है, तो दैट इज स्लफिंग ऑफ द स्किन, और फिर नई लेयर्स नीचे से आती रहती है. इज इट ओके? ठीक है जी. सो दिस इज अबाउट एपिथीलियम. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू. सबसे पहले इस पे मैंने, अगर हम देखें तो हमने बताया था फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. White fibrous and yellow fibrous formed of protein collagen. आपकी बुक में तो नहीं दिया हुआ, बट पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि जो कोलेजन है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स. एंड येलो फाइब्रस टिश्यू, it is formed of protein elastin. White fibrous tissue example aa jati hai tendons. aur yaad rakhna hai BMT. यहां पे टी क्या है, वो है टेंडन्स. बी एम इज विच कनेक्ट बोन्स विद मसल्स. ठीक है, ये याद करने का ये एक थोड़ा सा तरीका है. टेंडन्स का क्या फंक्शन है, दे कनेक्ट बोन्स विद मसल्स. और इसकी एग्जांपल क्या है, लिगामेंट. कैसे याद करना है, बीबीएल. लिगामेंट ज्वाइन बोन विद बोन, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है, दैट इज लिगामेंट. सेल्स
सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है बेटा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज से मतलब क्या है? फैटी टिश्यू। और यू कैन से इट्स सेल्स स्टोर फैट्स। एडिपोज सेल्स जो है वो फैट्स जो है वो स्टोर करते हैं। अगर हम देखेंगे ये है और इसके अंदर दीज आर फैट ग्लोब्यूल्स, बाकी तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, बाकी की ऑर्गेनेलिस है ही है, बट इट हैज फैट ग्लोब्यूल्स। एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट कहां पे है? इट इज प्रेजेंट बिलो स्किन। सेकेंड है, इट इज प्रेजेंट अराउंड सम ऑर्गन्स सच एज आईबॉल, किडनीज, फंक्शन क्या है एडिपोज टिश्यू का बेटा? इट इज इंसुलेटर ऑफ हीट एंड दस कीप्स अवर बॉडी वॉर्म। इसीलिए जो जानवर ठंड में रहते हैं, पोलर बियर है, इट हैज थिक लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू। व्हेल है, बहुत ठंडे पानी में रहती है, इट हैज ब्लबर। ठीक है, लिख लो, ये जीके के क्वेश्चंस में आ जाता है, कभी कोई एग्जाम देना हो पता भी होना चाहिए। एडिपोज टिश्यू इज थिक इन केस ऑफ एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड, इन केस ऑफ एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड सच एज पोलर बियर, बहुत थिक लेयर होती है स्किन के नीचे। सेकेंड है, व्हेल्स विच लिव इन कोल्ड वॉटर्स, विच लिव इन कोल्ड वॉटर्स हैव फैटी टिश्यू कॉल्ड एज ब्लबर, BLU। तभी व्हेल्स को मारा जाता है बेटा ब्लबर लेने के लिए। उस फैट्स में क्या है? उसमें विटामिन ए कंटेनिंग ऑयल्स है, तो उन ऑयल्स को लेने के लिए हम इतनी बड़ी व्हेल को मार देते हैं। दिस इज सो सैड, है ना? सब्जियों से नहीं हमने विटामिन ए लेना है, हमने वो व्हेल से लेना है, इतने पागल है हम। ठीक है जी, सो इन व्हेल विच लिव्स इन कोल्ड वॉटर्स हैज ब्लबर फॉर्म्ड ऑफ एडिपोज टिश्यू बिकॉज एडिपोज टिश्यू इज इंसुलेटर ऑफ हीट, इंसुलेटर ऑफ हीट। इज इट ओके? अनदर इज इट इज शॉक एब्जॉर्बर ऑल्सो, जो फैट्स है एडिपोज टिश्यू है, इट इज शॉक एब्जॉर्बर। इसीलिए कुछ ऑर्गन सेंसिटिव ऑर्गन के अराउंड लेयर है फैट्स की, एडिपोज टिश्यू की। ठीक है, सो व्हाई किडनीज आर सराउंडेड बाय एडिपोज टिश्यू? बिकॉज दे आर फैट एब्जॉर्बर्स। इज इट ओके? क्लियर? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इट कनेक्ट्स वेरियस ऑर्गन्स
विद बॉडी वॉल, ताकि ऑर्गन्स इधर उधर खिसके ना. देन इट फिल्स स्पेसेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स. जो डिफरेंट ऑर्गन्स में खाली जगह है वहां पे क्या पड़ा है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. इट कनेक्ट्स स्किन विद अंडरलाइंग मसल्स. आप ये कह सकते हो हमारी स्किन है, उसके नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, उसके नीचे मसल्स है, तो दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. जी बॉडी वॉल्स क्या होती है? बॉडी वॉल मतलब एक तो स्किन है हमारी, इसके अंदर एक टिश्यू की लेयर होती है, एपिथेलियल की टिश्यू की लेयर है, ठीक है, उसको हम क्या देते हैं बॉडी वॉल. तो ऑर्गन्स को पेरिटोनियम है ना, जो जो एक रस्सी आप कह लो, एक जो रस्सी है जो बॉडी ऑर्गन्स को हमारी स्किन के साथ बॉडी वॉल के साथ जोड़ती है, उसको हम कहते हैं पेरिटोनियम. और वो किसकी बनी है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी है. इट इज प्रेजेंट, इट फॉर्म्स शीथ अराउंड ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स उसके बाद मसल फाइबर्स एंड नर्व फाइबर्स. दिस इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. है क्या है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू? इसमें बहुत सारा मैट्रिक्स है, सेमी फ्लूइड जेली लाइक. दिस इज मैट्रिक्स और इसमें बहुत सारे सेल्स हैं. फाइबर्स भी है, जो हमने एक अलग से फाइबरस टिश्यू किया है, यहां भी फाइबर्स, वो तो सिर्फ फाइबर्स के ही बने हैं, बट यहां पर भी फाइबर्स मिल जाएंगे. इस तरह से इट हैज मैट्रिक्स एंड वेरियस टाइप ऑफ सेल्स. आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं करने की जरूरत है. एरियल कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस याद होने चाहिए. इट हैज मैट्रिक्स एंड सेल्स, बट फंक्शन जरूर पता होने चाहिए. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. हैज ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड इज द सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड जो है वो सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है ना. एंड इट इज फ्लूइड ऑल्सो. आपको पता है ब्लड में क्या है? प्लाज्मा है एंड सेल्स. प्लाज्मा हैज वॉटर शुगर्स प्रोटीन्स मिनरल्स विटामिन्स कोलेस्ट्रॉल हॉर्मोन्स, ये सब प्लाज्मा में प्रेजेंट है. और सेल्स कौन से है आपको पता है? आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. फंक्शंस आपको इनके पता है, यस और नो? आरबीसी का फंक्शन बताइए फटाफट.
oxygen. Transports oxygen. WBCs. Destroy germs. बिल्कुल ठीक है. प्रोवाइड इम्यून सिस्टम, प्रोवाइड इम्यूनिटी. प्लेटलेट्स. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बिल्कुल ठीक है. दीज सेल्स आर फॉर्म्ड बाय बोन मैरो, ठीक है, जबकि प्लाज्मा इज सिक्रीटेड बाय दीज सेल्स. जो ब्लड सेल्स है वो हमारी बोन्स बनाती है, बोन्स में एक फैटी टिश्यू है, बोन मैरो वो बनाते हैं. आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं है. WBCs आर न्यूक्लिएटेड. प्लेटलेट्स आर अगेन ई न्यूक्लिएटेड, ये क्योंकि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है. इज इट ओके? एंड लिम्फ. लिम्फ इज द फिल्टर्ड पार्ट ऑफ द ब्लड विच हैज फ्यू WBCs एंड हैज प्लाज्मा विद लेस प्रोटीन्स. लिम्फ इज कलरलेस क्योंकि आरबीसीज तो है ही नहीं. लिम्फ इज कलरलेस, हैज फ्यू WBCs एंड इट हैज प्लाज्मा विद लेस प्रोटीन्स. इज इट ओके? यस. और उसके बाद आ जाता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स एंड कार्टिलेज. बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ अवर बॉडी. बोन इज द, अच्छा एक और बात लिख लेनी, आरबीसीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा सेल्स है वो आरबीसीज है. बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू एंड कार्टिलेज इज द सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू. कार्टिलेज सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू. नेचर ने कान में कार्टिलेज दिया ताकि टीचर्स पकड़ के खींच सके, है ना. अगर बोन का पड़ा होता कान, अगर आप सोच लो तो हम खींच थोड़ी पाते आपके कान, है ना. तो कार्टिलेज का है इसलिए खींच लेते हैं. मैम कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज द सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू, हमारा स्केलेटन बनाता है बट सॉफ्ट है. नोज इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज. हमारी जो बोन्स है उनकी कैप कार्टिलेज बना रहा है. द एंड्स ऑफ बोन्स, नॉट ऑल बोन्स बट लॉन्ग बोन्स जो हमारी लिम्स में है, द लॉन्ग बोन्स, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स आर कवर्ड बाय कार्टिलेज. ठीक है जी. और दोनों में क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज में भी और बोन्स में भी? मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स, बोन्स एज वेल एज कार्टिलेज. बेटा नाइन्थ ई क्यों स्टूडेंट्स, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इज दिस ए यू नो फेयर, मेला थोड़ी है. और लास्ट में बॉयज ठीक तरह से बैठो, अदरवाइज मैं आपकी क्लास डिस्कनेक्ट करूंगी नाइन्थ ई. सो बोन्स में क्या है, दैट इज मैट्रिक्स एंड बोन सेल्स है, ठीक है. बट जो मैट्रिक्स है इट इज हार्ड, बोन्स का मैट्रिक्स हार्ड है क्योंकि इस ये किसका बना हुआ है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट का, ठीक है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स का बना है इसलिए ये हार्ड है. जबकि जो कार्टिलेज है उनका मैट्रिक्स सॉफ्ट है. इट इज फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोटीन्स, शुगर्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है जी. सो बोन्स का मैट्रिक्स हार्ड है इस कारण बोन्स हार्ड है. कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, दैट्स वाई कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल. रीजन असर्शन में क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं बता रही हूं कि बोन्स क्यों हार्ड है, क्योंकि उनके मैट्रिक्स में कैल्शियम एंड फॉस्फेट है.
कार्टिलेज क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि उनके मैट्रिक्स में प्रोटीन्स एंड शुगर्स है, दैट्स व्हाई कार्टिलेज इज सॉफ्ट. इज इट ओके? ठीक है जी. सो दिस इज फॉर टुडे. नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा टिश्यूज को बस ये करके असाइनमेंट करेंगे, एंड आई होप. Thank you.